हेलो गाइस, ये गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर 2010 मॉडल ओल्ड। तो इसका टर्बो लीक है प्रॉब्लम, तो मैं बताऊंगा टर्बो लीक कैसे चेक करते हैं, आइए दिखाते हैं। हेलो गाइस, तो मैंने देखिए ये पाइप खोल लिया है पूरा, आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे, थोड़ा इधर को दिखाएं जी। देखिए जे पाइप है, जे वाला। इधर से देखिए, अभी तो मैंने पहुँच दिया है सब कुछ अच्छी, इधर से आयल आ रहा होगा तो आपका टर्बो लीक है। ठीक है, लाइट जला के पाइप को जूम करो। तो देखिए, मैंने इस गाड़ी में तो प्रॉब्लम पहले ही से है कि इसका टर्बो लीक है, और आपको चेक करना होगा अपनी गाड़ी में, तो आपको ये पाला पाइप इतना खुलना होगा, वो तो हाँ ये 6 नंबर की चाबी है, इससे आप खोल सकते हैं। देखिए आप, तो आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी गाड़ी, और जी पाइप खोल कर ऐसे रखना होगा। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ गाड़ी, फिर आपको दिखाता हूँ। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं मुझे, मैं बैठ चुका हूँ, तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ गाड़ी में को। देखिए स्टार्ट करता हूँ, चलते हैं, आप देखते हैं क्या है। जाओ उधर एक्सीलरेटर, तो देख सकते हैं इसमें आयल आ चुका है, इसको उसको ठीक करने में भी बताऊंगा, उसको ठीक कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। देखिए ये इसमें आयल आ चुका है, फिर ये आयल आ रहा है, तो आयल आने वाला टर्बो उसको लीक कहते हैं। तो आपको टर्बो सही करने के लिए मैं बताऊंगा अभी, देख सकते हैं आप। इसको सही करने के लिए पहले आपको खुलना होगा पूरी प्रॉपर, देखिए रिपेयर होने लायक तो रहता नहीं प्रॉपर, आपने जो दोबारा दोबारा परेशान होना पड़ेगा, इसीलिए आप पूरा चेंज ही करवाएं तो बहुत ही बेहतर होगा, और आपके बजट में नहीं है तो आप इसको रिपेयर भी करवा सकते हैं।